नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42.5 पूर्वी रेखांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका एक मूल अंग था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड का, भारतीय उपमहाद्वीप एक अंग था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल के स्टेट से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, गॉडविन ऑस्टिन है इनमें से क्या है, दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है या भूवैज्ञानिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन बी, शिखर है, गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, हिमाद्री है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन, लोनार झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, बलतोड़ा हिमनद स्थित है। तो कहां स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कराकोरम पर्वतमाला में, बलतोड़ा हिमनद स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। तो भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहां पे हो जाएगा, 21.67% भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, देवप्रयाग, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोआब कहते हैं, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, या निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, हीरा के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अवस्थित पन्ना हीरा की खदान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोयला क्षेत्रों से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17.5%,
इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपके विश्व भूगोल के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। ये विश्व भूगोल का पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सागरमाथा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया हिमालय, हिमालय का मिलान हो जाएगा एशिया से, ऑप्शन सी से मिलान हो जाएगा, और सेकंड में दिया गया है एंडीज, तो एंडीज कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है, तो इसका ऑप्शन ए से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में दिया गया है रॉकी, तो रॉकी का संबंध उत्तरी अमेरिका से हो जाएगा, ऑप्शन बी से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थान के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे एक तरफ दिया गया है रेगिस्तान, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, तो कालाहारी ऑप्शन ए में दिया गया है कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में, ऑप्शन थ्री से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है आटाकामा, और आटाकामा का जो संबंध हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका ऑप्शन ए से। थार ऑप्शन सी में दिया गया है, थार एशिया से संबंधित हो जाएगा, और ऑप्शन डी में ग्रेट विक्टोरिया दिया गया है, इसका सही मिलान जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया से, सेकंड से हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए का थ्री, बी का वन, सी का फोर, डी का टू, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो आपको रूपांतरित चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा डायोराइट, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑब्सीडियन एंडेसाइट, ग्राइबो और पेरोडाइट क्या हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहिर्वेधी चट्टान है। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्राजील यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील से होकर बहती है, और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो इनमें से आपको बताना है यूरोप की कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्भव वल्दाय पहाड़ियों से होता है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेन है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांगो नदी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदी कांगो भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है। तो वन आच्छादन के कम होने का कारण है दोस्तों यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ती हुई आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु कौन सी है। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, श्वेत कोयला है, दोस्तों बताना है आपको श्वेत कोयला है, इनमें से क्या है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है जल विद्युत, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है बर्फ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जल विद्युत है, श्वेत कोयला जल विद्युत है, क्योंकि इसके कारण पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे मौसम कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्र समीर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज के इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।